राधे राधे दोस्तों, ये देखिए मैंने ब्लाउज के बचे हुए कतरन से ये ड्रेस बनाई है कान्हा जी के लिए, बांके बिहारी जी के लिए। तो मैंने ये कैसे बनाई है इसके लिए आप आगे बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। लिए ड्रेस बना रही हूँ धोती ड्रेस, तो उसके लिए मैंने 4-5 पीसेस लिए हैं कपड़े के। ये मैंने 2 पीसेस ये लिए हैं 2.5 और 2.5 इंच का स्क्वायर लिया है। ये दोनों पीसेस हमने सेम साइज के लिए हैं और एक पट्टी हमने ली है 1.5 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी एक पट्टी मैंने ये ली है। और नेफा बनाने के लिए मैंने एक पट्टी ली है 1.25 इंच चौड़ी और 4.5 इंच लंबी नेफा के लिए। और ऊपर चोली बनाने के लिए मैंने ली है 3.5 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इससे हमारी ड्रेस बनके तैयार होगी। सबसे पहले हमने ये 2 पीसेस लिए हैं, तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी 2 साइड से। और लेस लगाना चाहते हैं तो इसी पे लेस भी लगा सकते हैं। 2 साइड से हमें स्टिच करना है दोनों पीसेस को इस तरह से, और यहीं हमें लेस भी अटैच करनी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई भी लगा ली है और लेस भी अटैच कर दी है दोनों पीसेस में। अब हम इसमें इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे इस तरह से। ऐसे ऐसे और ऐसे इसमें हम स्टिच लगा देंगे। दोनों ही प्लेट हमने अपोजिट साइड से लगाई है, देखिए ऐसे सेंटर तक, यहाँ बीच से बनाई है और यहाँ कोने तक मिलाई है इस तरह से। और ऐसे ही हमने इसमें को किया है, सेंटर से बनाते हुए कोने तक मिला दिया इस तरह से। इस तरह से हमें दोनों ही पीस तैयार करने हैं। ऐसे ऐसे इसमें यहाँ स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने ये दोनों पीसेस तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ये देखिए अब हम ये लंबा पीस जो हमने लिया था इसमें हम किनारे पर सिलाई डालते हुए यहाँ सिलाई डाल लेंगे और इसमें प्लेट्स बनाते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से पूरे में हम प्लेट्स बनाएंगे पूरी पट्टी में। ये देखिए पहले हमने प्लेट बनाने के पहले ये गोटा लेस अटैच कर दी है दोनों साइड। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए मैंने प्लेट्स लगा ली हैं। अब हम इस पे इस तरह से स्टिच कर देंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें नेफा लगाएंगे। नेफा लगा के इस तरह से यहाँ पलट देंगे। बता दी, ये देखिए हमने घेरा भी अटैच कर दिया है जो प्लेट्स बनाई थी, और ये नेफा भी। पहले हम नेफा में ये हमने बद्दी तैयार कर रखी है, तो हम इसको रख के इस तरह से इसको पलट के सिलाई लगा देंगे कि ये हमारी डोरी ना दबे इस तरह से। इस तरह से हम इसमें भी स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ड्रेस हमारी नीचे का तैयार हो गया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। देखिए
अब हमको ये ऊपर की चोली बनानी है, तो हमने ये पहले से पट्टी कट करके रखी थी, बताई भी थी, 3.5 इंच लंबी है और 1.5 इंच चौड़ी है। तो हम इसको इस तरह से सिलते जाएंगे, ऐसे सिल लेंगे इसको। और इसमें येलो कलर का हमें कपड़ा लगाना है, तो हम इसमें इस तरह से सिलाई डालते हुए और इसको भी अटैच कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, मैंने पहले ये पट्टी बना ली है, फिर हमने ये येलो कलर की पट्टी ज्वाइन की है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी 2 कलर की पट्टी बन जाएगी। इस तरह का हमको एक पीस और चाहिए। ये देखिए, मैंने दोनों पट्टियां बना ली हैं। अब हम इस तरह से सेंटर में इनको जोड़ते हुए यहाँ थोड़ा सा जोड़ लेंगे और यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ड्रेस बनके तैयार हो गई है, पहना के दिखाती हूँ।